बचपन से ही एक करेक्टर आपके दिमाग में जरूर आता होगा, शक्तिमान। जब आप देखते होंगे तो शक्तिमान के पैरलर ही एक करेक्टर वहाँ पर हर समय आप वहाँ देखते होंगे उस चैनल में, उस शो में, डॉक्टर जयकाल नाम करके एक साइंटिस्ट वहाँ पर होते थे, जो कि हर बार शक्तिमान के लिए एक नई मुसीबत तैयार करते थे, हर समय एक नया चैलेंज शक्तिमान के लिए तैयार करते थे। आज उन्हीं को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। ललित परिमू जी हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर जयकाल से लेकर, उससे पहले से लेकर अभी तक का सफ़र अगर हम बात करें तो ना सिर्फ आपकी पर्सनल जिंदगी में पर सिनेमा में आपका कैसा रहा, थोड़ी उस पर हम पहले बात करें। तो बहुत लोडेड क्वेश्चन है। पार्ट्स में बता दें, इसमें बहुत टाइम जाएगा जी। मैं अगर असल में एक बीच के दौर का फेज है मेरे एक्टिंग करियर में जी। मैं अपने एक्टिंग करियर को अगर थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसा है कि मैं चूंकि कश्मीरी हूं जी, पैदाइश और हमारी अर्ली एजुकेशन सब कश्मीर में ही हुआ है जी। केंद्रीय विद्यालय स्कूल बटवारा से मैंने ट्वेल्थ किया, उसके बाद और उन्हीं दिनों, मतलब मैं अगर अपने बचपन की बात याद करता हूँ तो क्लास टेंथ तक मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं एक्टर बनूँ, हाँ एक्टर बनूँ या ऐसा कुछ करूँ। मैं भी सभी अपने कश्मीरी दोस्तों और रिश्तेदारों की तरह इंजीनियर डॉक्टर के बारे में सोचता था, लेकिन 11th तक आते आते ऐसा लगा कि ये फील्ड में नहीं जाना मुझे, ये इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना। हालांकि मैं अपने क्लास में वन ऑफ द फर्स्ट फोर स्टूडेंट्स में आता था, परसेंटेज हमेशा 75 से ऊपर, और जीवन वही पढ़ाई लिखाई, और हॉबी थी तो क्रिकेट जी, क्रिकेट का शौक इंडियंस का एक। हाँ हाँ, और कश्मीर में तो पता नहीं क्यों जबरदस्त सब क्रिकेट खेलते हैं जी। बट ये हुआ कि 11th क्लास के बीच में फिल्मों को देखना शुरू हुआ जी, और उनका असर हुआ जी, और उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में हम देखते थे, बहुत ज्यादा पसंद जी, करते थे बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे दिमाग में घुसने लगा कि ये जो कर रहा है मिस्टर बच्चन जो कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ जी। अब ये कैसे करना होता है, कहाँ जाना होता है, किससे भी, ये कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्योंकि अब पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ और जी दिमाग से ही चलने वाले कम्युनिटी है हमारी जी, जी, जी। तो इस पर रिसर्च करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, बात करना शुरू किया, मैगजीन्स पढ़ रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ, पाया कि पहले थिएटर करना चाहिए जी। तो मैंने सोचा ओके, चूँकि अपने पास तो कोई गॉडफादर है, गॉडफादर है नहीं, तो अब थिएटर कहाँ करें, कश्मीर में ढूंढा पहले कुछ लोग जी अपने, मैं चूंकि सेंट्रल स्कूल में तो वहाँ जी प्लस टू में ही था, तो अपने दोस्तों से पूछा कि थिएटर कहाँ होता है, किसी ने बताया ऐसा कोई कमल थिएटर है जी, कोई कालिदास थिएटर है, तो सब जगह गया मैं बात करने जाता था, वो कहते थे कि हिंदी थिएटर तो यहाँ बहुत कम होता है, कश्मीरी लैंग्वेज में होता है जी, करना है तो जी देखो, और मेरी कश्मीरी जबान ठीक तो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, तब तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं हिंदी ही चाहता था जी। फिर ऐसे ही और पठन पाठन रिसर्च करके पाया कि दिल्ली में थिएटर होता है ओके, और उस वक्त ये एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ओम पुरी, पंकज कपूर, इन सब के बारे में कुछ इंटरव्यूज भी आते रहते जी मैगजीन्स और पेपर में, और एक ऑल्टरनेट सिनेमा का दौर शुरू हो गया, शुरू हो गया, मिस्टर श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी के था, हम वहाँ फिल्में के बारे में सुनते थे, तो पता लगा कि दिल्ली में NSD है और थिएटर है वहाँ जी। तो ये प्लान बनाया कि 12th करके मैं दिल्ली जाता हूँ, निकलना है यहाँ से बस कुछ नया ढूंढना। तो ये घर में भी मैंने बताया, घर में ये नहीं बताया कि मैं एक्टिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं वहाँ कुछ करूंगा और IAS की तैयारी करूंगा, झूठ बोला था, मतलब कुछ पढ़ाई वगैरह का प्लान, पढ़ाई से ही बहाना लेकर, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं बोलता कि मुझे एक्टर बनने जाना है तो वो नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, क्योंकि उस टाइम का माहौल वैसा था और स्कोप ही नहीं था जी। पर किस तरह से अभी के माहौल से हिसाब से आपको लगता है कि अगर 2019 में कोई व्यक्ति चाहे सोचे तो वो उसके पास तो काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है, मतलब आप इंटरनेट पे तब सर्च भी नहीं कर पाए होंगे कि कौन सा थिएटर ग्रुप है, फेसबुक पेज, फोन नहीं था इंटरनेट जी, तो काफी ज्यादा आसान हो गई है चीजें उसके हिसाब से। तो सर मैं अगर आपकी बात करूं, जब आप वहां गए, दिल्ली गए वहां पर, तो सबसे पहला मुश्किल होता है कि मेरा पहला ऑडिशन जो है, या जब मैंने पहली बार स्टेज पर कदम रखा, वो एक्सपीरियंस अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? हाँ, वो मैंने मन बना लिया था कि मुझे थिएटर करना है जी, तो थिएटर के लिए तो ऑडिशन नहीं होता था जी, आपको उस ग्रुप के यहाँ जाना पड़ता था, बस इतनी मेहनत, चूँकि मेरे पास कोई, जैसे मैंने कहा जी, गॉडफादर नहीं था और कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था जी, अर्ली जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत एडवेंचरस है जी,
ऐसे एडवेंचरस में आज भी, मतलब आपको स्ट्रगल मानते हैं एडवेंचर मानते हैं? एडवेंचर मानता हूं। मुझे ना नाम किसी का पता, ना कोई नंबर, ना कांटेक्ट जी। बस मैं अपने कॉलेज में ही लोगों से पूछता था कि दिल्ली में थिएटर कहाँ होता है, थिएटर कहाँ होता है, थिएटर कोई कहता है मंडी हाउस, मैंने पूछा मंडी हाउस बस कौन सी जाती है, बताया उसने ऐसा 210 नंबर जाती, तो मैं 210 चला। तो पहले कुछ दिन तो मैं मंडी हाउस का वो सर्कल, वो माहौल, वो बिल्डिंग्स देख रहा हूँ और टटोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो दो चार दिन, एक आध हफ्ता ऐसे ही गया, ऐसा रिसर्च किया मैंने जी। फिर मैंने धीरे धीरे पूछना शुरू किया, या शाम को आया देखा वहाँ रिहर्सल हो रही है, यहाँ रिहर्सल हो रही है, तो उन लोगों से मिला जी। किसी ने बोला हमारे यहाँ तो सारी कास्टिंग हो चुकी है जी। किसी ने बोला कि वहाँ फलाना ग्रुप कर रहा है, वहाँ मिल लीजिए। हाँ जी। तो ऐसे करके मैं टटोलता मिला और ऐसे ग्रुप में मुझे एंट्री मिल गई जी। दैट वाज माय फर्स्ट थिएटर में एंट्री आपके जब हुई एंट्री। हाँ। तो वो कौन सा थिएटर था, कुछ नाम याद है आपको शायद? हाँ, शालीमार थिएटर करके बहुत ही एमेचरिश सा ग्रुप था। ओके। और वो लोग प्लेस करते थे छोटे छोटे जी, तो बस वहीं से यात्रा शुरू हुई। और चूंकि फिर मंडी हाउस जाना रेगुलर हो गया जी, एनएसडी के लोगों से भी मिलना जुलना हो गया, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के टीचर्स, और वहाँ से पास आउट जो एक्टर्स और डायरेक्टर्स थे उनसे संपर्क करना शुरू किया, फिर मंडी हाउस में घर ले लिया जी। तो एक तरह से सुबह से शाम वहीं रहना जी, नाटक की दुनिया में ही जीना जी। तो तब आपका इनकम का सोर्स क्या था, किस तरीके से आप जी? इसलिए इससे कमाई तो नहीं होती थी, मैं तो कुछ मुझे घर से मिलता था जी, कुछ मैं ट्यूशन करके कमा लेता था जी जी जी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे रेडियो में प्लेस करना शुरू किए, ठीक, वहाँ से इनकम थोड़ी शुरू हुई जी। फिर मैंने एक रिपर्टरी ग्रुप ज्वाइन किया, थिएटर रिपर्टरी ग्रुप, जहाँ मुझे महीने की सैलरी मिलती थी। ओके, ग्रेट। सो वो करीब 1.5 साल मैंने उस रिपर्टरी स्टार्टिंग की छोटी छोटी कमाइयों से, आपने छोटी छोटी चीज़ों से। फिर एक टेलीविजन का दौर आया, वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का एक दौर था दिल्ली में, जो सबसे पहले हम लोग सीरियल शुरू हुआ जी, उसके बाद डीडी नेशनल के लिए एक शो था जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे तब ऑडिशंस देने जाया करते थे सारे थिएटर के एक्टर्स जी, हम भी जाते थे ऑडिशन, बड़ी ईमानदारी से देते थे, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता था, पूछते थे कि आपने कुछ किया है तो करके दिखाइए जी, तो करके दिखाते थे। मैं कहीं सर देख रहा था आपका एक जो पहला ऑडिशन टीवी सीरियल का था, वो शायद पुलिस फाइल करके एक सीरियल के लिए था, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो हमें, किस तरीके का वो एक्सपीरियंस था और क्या डायरेक्टर ने कहा कि कर दो ऐसा कुछ, कमाल आपने कर दिया। जैसे ऑडिशंस दिए हमने, उन्होंने वो कैरेक्टर एक्सप्लेन किया और मुझे वो सिचुएशन दी, वो सीन दिया, ऑडिशन दिया, सुबह चले गए हम जी, तो सिलेक्ट हुए। हाँ जी, थी आई कि आप सिलेक्ट हुए जी, तो इस तरह से काम हुआ और वो मेरा पहला एक प्रोमिनेंट टीवी शो था जी। उसकी और विशेषता ये थी कि वो पहली टेलीविजन की एक प्रॉपर कमाई थी, एपिसोडिक शोज में 500 रुपये पर एपिसोड का मिलता था। ओके, ग्रेट। और वो 500 रुपये पर एपिसोड वाली कमाई बहुत वैल्यूबल कमाई है जी। फिर वहाँ से यात्रा चलती रही, टीवी शोज करते रहे जी दिल्ली में मैंने। तो वो जो बोलते हैं ना, एक पॉइंट आया कि उसके बाद आपकी लाइफ ही बदल गई, या सिनेमा के रास्ते में चल पड़े, या फिर बदल नहीं गई, चूंकि मैं एक्टर तो बन ही गया था जी, एक्टर का, चूंकि वो जो 4-5 साल थिएटर किया, मतलब वो मुकाम जो आपने एक हासिल कर लिया एक बेंचमार्क, अगर मुझे वो नहीं मिलता तो मैं थिएटर ही करता जी, डेफिनेटली जी जी, थिएटर की दुनिया में ही रहता मैं जी। तो वो पुलिस फाइल भी शायद एक नेगेटिव रोल के लिए था, मर्डरर था जी, क्रिमिनल। ओके, ग्रेट। तो उसके बाद डॉक्टर जयकाल का कैसे हुआ? डॉक्टर जयकाल तो बहुत बात की बात है, मैं दिल्ली में 92 तक टीवी शोज करता रहा, फिर उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हुआ, वहाँ सैटेलाइट का दौर शुरू हो गया था। ओके। जी टीवी, स्टार टीवी, सोनी टीवी, ठीक, और भी तरह तरह के चैनल्स आ रहे थे। ये शक्तिमान तो DD1 का ही शो है जी, बिल्कुल, और ये 97 में शुरू हुआ था। तो उसमें मिस्टर मुकेश खन्ना मेरे साथ एक और शो में काम कर रहे थे जी, विराट नाम का एक शो था, तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगा था और वो इस शो के प्रोड्यूसर थे जी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था डायरेक्टर को कि इसको देखो, ये जी अच्छा करता है, नेगेटिव में भी ट्राई करो, मेरे रास्ते में अड़ंगे लगाएगा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अड़ंगा जो है वो धीरे धीरे बनता गया, बिकॉज वो पहला ही जो एपिसोड था उसका TRP इतना अच्छा हुआ कि ये प्रोड्यूसर की जो टीम थी, प्रोडक्शन हाउस जो था, वो मजबूर हो गया डॉक्टर जयकौल जी, डॉक्टर जयकौल को आगे। अर्लियर डॉक्टर जयकौल इतना लंबा कैरेक्टर नहीं था, मेन कैरेक्टर तो डॉक्टर किल्विश ही था, बिल्कुल, जयकौल और विलन की तरह 2-4 एपिसोड का ही था जी। बट वो जो बन गया वो फिनोमिनल, उसका लोग पसंद करना शुरू हो गए, सिर्फ लोगों ने बल्कि मीडिया में जो उसकी छवि बनी, डायरेक्टर्स राइटर्स होते हैं ना आपस में, क्या बोलते हैं, एक रिपोर्टिंग करते रहते हैं, अरे वो एपिसोड अच्छा था,
तो सब ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर जैकॉल को लेकर ही चलो, लेकर चलो जी। सो तब जी। से फिर वो डॉक्टर जैकॉल एक खास तरह से बन गया और फिर चलता रहा। तो सर जैसे हम अगर शक्तिमान की बात करें तो उस समय को ले, उस समय से लेकर अभी तक का जो टीवी मीडिया है या टीवी जो सिनेमा है जो है वो किस तरीके का चेंज आया उस समय? जैसे हम देखते थे शक्तिमान में काफ़ी ऐसे मुद्दे इजीली उठा लिए जाते थे और वहाँ पर पूरे पूरे एपिसोड उस पर बनाए जाते थे लोगों को अवेयर करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए कि शक्तिमान में ऐसे प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से सोसाइटी को एक खोखला कर रहा है। वैसे मुद्दे अभी के ज़माने में उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो टीवी शोज़ हैं वो पूरी तरह से कमर्शियली ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है उसके उसकी इम्पोर्टेंस और अभी की इम्पोर्टेंस किस तरीके से बदली है, उसका पैमाना किस तरीके से बदला है? देखिए इस पर बातें हमेशा होती रही हैं, चैनल्स के साथ भी हम इंटरेक्ट करते रहे जी। प्राइवेट चैनल जो है वो मजबूर है अपने चैनल को मार्केट करने के लिए, अर्निंग पे जी रेवेन्यू चाहिए। दूरदर्शन जो चैनल है चूंकि वो गवर्नमेंट फंडेड है बिल्कुल, उसमें अगर रेवेन्यू नहीं भी आए, अगर सिर्फ टीआरपी आए तो भी वो चैनल सस्टेन कर सकता है और फिर उसे फंडिंग्स होती है जी। यहाँ सबकी नौकरी टिकी हुई है इस पर जी कि आप कितना एडवर्टाइजमेंट लाते लाते हैं बिल्कुल। तो हुआ ये आफ्टर लिबरलाइजेशन जी, जब भारत में 91 में जी जी, जी। भारत में जब ये नए नए चैनल्स की एक तरह से भीड़ आई जी, तो इनका सस्टेनेंस कैसे हो जी? सस्टेनेंस यही रास्ता है कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और उसी की दौड़ में बिजनेस चल रहा है जी। तो इन्होंने अपनी तरफ से बहुत क्लासिक चीज़ें भी दिखाने की कोशिश की है जी, बट वही जब एक तरफ आपने लिबरलाइज कर दिया हमारी इकोनॉमी को जी और पूरा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आपके देश में बम्बार्ड हो रहे हैं जी और एक कल्चरल चेंज आ रहा है कि अब जीवन जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंज्यूमर कल्चर डेवलप हो रहा है जी, या कंज्यूमरिज्म की तरफ पूरा समाज जा रहा है। उस वक्त का भी यंग आदमी जो था वो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में है, जल्दी जल्दी बड़ा बनने के चक्कर में, जल्दी जल्दी बड़ा घर बड़ी गाड़ी जिसके चक्कर में है। तो उस इस थॉट को केटर करने वाला ही एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हिट हो सकता था बिल्कुल। तो आपको लगता है कि उसके साथ साथ जो पैरेलल मीडिया है, जो अल्टरनेट मीडिया है, उसने भी काम किया है और वो उसकी उस लेवल तक ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई उसमें भी? रीज़न यही है क्योंकि वो आपको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि ये आपको एक्साइट कर रहा है कि जल्दी जल्दी बड़े बनो पैसा कमाओ जी, है ना। और फिर वो आप देखेंगे दूरदर्शन के प्रोग्राम्स और इनके प्रोग्राम्स में सेटअप्स का भी बहुत जी बिल्कुल। तो आपके माइंड के ऊपर बम्बार्ड किया जा रहा है कि ऐसे घर में रहो, ऐसे कपड़े पहनो, राइट, ऐसी ज्वेलरी खरीदो। ये तो रिसर्च है ना इन लोगों की बिल्कुल। ये जो सैटेलाइट चैनल को चलाने वाली मार्केटिंग टीम्स है ये इसी तरह से डिस्कस करती हैं जी, जी। कि हमारे शो देखने वाले कौन है, ज्यादातर महिलाएं जी। तो महिलाओं के माइंड को साइक करो बिल्कुल, क्या चीज उनको पसंद आ रही है, ज्वेलरी पहन के सो रहे हैं सुबह उठते तो काजल लगा हुआ सब कुछ लगा हुआ है, प्रोडक्ट दिखना है जी, खास तरह का साबुन बिकना है, खास तरह का तेल बिकना है जी। तो ये एक मिला जुला करके एक खास तरह का कल्चर आरोपित किया जाता है जी। बनाने वालों को समझ नहीं आता है बट उन्हें ये समझ में आता है कि यही है जी। दिस इज व्हाट। तो सर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि अगर पूरी तरह से इनको भी ब्लेम करें तो वो भी शायद इतना जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारी ऑडियंस है, क्या वो उस लेवल की है कि हम उनको ये चीज़ें बता रहे हैं और वो लोग इतना अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, पैरेलल मीडिया वो देखना पसंद नहीं कर पा रहे? तो कंज्यूमर को अवेयर होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको लगता है? देखिए ये वही डिबेट है कि कौन किसके ऊपर हावी है जी। कंज्यूमर इतना अवेयर खुद हो नहीं सकता कि उसके अंदर की वो विवेक की शक्ति नहीं है जी। जब चारों तरफ से एक ही विज्ञापन बार बार प्रचार हो रहा है जी तो वो एक दिन मजबूर होकर उसको खरीदने के लिए जाता है जी। वो क्या करेगा बार बार तरफ से सराउंडेड, और अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे आप अपने ही दोस्तों में या अपने ही सर्कल में पिछड़े हुए समझ जाएंगे बिल्कुल। ये एक दिक्कत आती है, अलग थॉट का पास अगर ये स्मार्टफोन नहीं है जी, आप अगर वो 1200 रुपए का फोन लेके घूम रहे हैं तो बताइए दोस्तों में ही कैसा होगा जी। तो यहाँ पे आप क्या करें, आप बोल सकते हैं कि यूटिलिटी तो 1200 नोकिया वाला फोन भी 1500 में मिलता है जी, एक ऑटो रिक्शा वाला हालांकि अब वो भी स्मार्टफोन रख रहा है बिल्कुल, वो भी रख रहा है हाँ, 3000 रुपए में भी अब स्मार्टफोन मिल रहे हैं और वो कर रहा है जी।
बट फिर भी जैसे आप भी कोशिश कर रहे हैं अभिनय योग, एक आपका एक कल्चरल एकेडमी टाइप ही है जो आप पूरी इंडिया में वर्कशॉप्स करवाते हैं, तो क्या लगता है कि अभी जो यूथ है वो कितना उसकी तरफ आप कितना मतलब फोकस करके चल रहे हैं कि जो आने वाले टाइम पे अल्टरनेट मीडिया को वो कितने बड़े लेवल तक जो है वो सक्सेसफुल करवा सकता है? बहुत टाइम बाद जो अल्टरनेट मीडिया के जरिए काम होगा वही अच्छा काम होगा, काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है जी। देखिए यूथ जो है वो हमेशा चूँकि उसके पास वो उमंग और जोश बहुत ज़्यादा होता है और वो जल्दी नई चीज़ों को पकड़ता है जी। जैसे उन्होंने कंज्यूमर कल्चर यूथ नहीं पहले पकड़ा जी, फिर दूसरे लोग भी लेते हैं। यूथ ही आज स्ट्रेस से परेशान है जी बिल्कुल, यूथ ही आज कॉन्फ्लिक्ट में है, यूथ ही आज अनहैप्पी है बिल्कुल। डिस्पाइट हैविंग मनी, डिस्पाइट हैविंग थिंग्स जी, यू आर अनहैप्पी जी। तो जैसा आपने अभी अभिनय योग का जिक्र किया, तो अभिनय योग ही एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ मेरे द्वारा कि आपकी उस अनहैप्पीनेस को थोड़ा कम करें, कम करें। तो उम्मीद हमारी यही है कि यही यूथ इसको एक्सेप्ट करें और इसको रिसीव करें। आज ऑल ओवर वर्ल्ड सेल्फ हेल्प की दुकानें बहुत चल रही हैं बिल्कुल, भारत में भी चल रही हैं, बाहर भी चल रही हैं जी बिल्कुल। इसके ऊपर लिखा गया, लिटरेचर पढ़ा जा रहा है, वीडियोज चल रहे हैं, है ना। एक तरफ हम ये मोबाइल फोन बेच रहे हैं बिल्कुल, और दूसरी तरफ हम मोबाइल फोन के द्वारा एडिक्शन से होने वाली दूसरी प्रॉब्लम्स को भी झेल रहे हैं बिल्कुल। पहले हमको आदत लगा दी, व्हाट्सएप भी देखो, नेट भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो, अब एडिक्शन हो गया, एडिक्शन हो गया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए अलग से ज्ञान प्राप्त करो और उसी में करो और उसी में करो यूट्यूब और फेसबुक पे ही आपको वो चीजें मिलेंगी। तो अब आने वाले देखिए इस समय में हमें उपवास की विधि को चेंज करना है जी। आपको एक दिन का इंटरनेट उपवास, एक दिन का मोबाइल उपवास, एक दिन व्हाट्सएप छोड़ दो, फेसबुक रखना चाहिए बिल्कुल, ये बहुत मदद देगा। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, आप 6-6 घंटे के लिए मोबाइल को मत छुओ जी तो आपको बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल। नहीं जम्मू के लोगों तो पिछले 2 महीने से काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्हें सरकार ही उपवास करवा रही है इंटरनेट बंद है तो वो लोग आराम से खुश हैं घर में जी, जी। सर एक हम कैमरा शुरू होने से पहले हम एक बात कर रहे थे कल्चरल सिविलाइजेशन की, मीडिया में उसका किस तरह से आप रोल देखते हैं, कल्चरल किस तरह से सिनेमा में किस तरह से उसने काम किया है? देखिए ये मेरा एक इंटरेस्टिंग रिसर्च सब्जेक्ट ये है कि जी बहुत लोग कहते हैं कि जैसा समाज बनता है वैसा ही मीडिया या आर्ट दिखाया जाता है। इस पर बहुत बहस होती रही जी, या आर्ट समाज को चेंज कर सकता है, अब ये डिबेटेबल है जी। क्या एक उच्च कोटि का आर्ट अगर दिखाया जाए जी तो क्या वो समाज को बदल सकता है जी? ये दो तरह की बात, सवाल या समाज ऐसा बन गया, अब उस समाज का मिरर है आर्ट, जैसे हमारा टेलीविजन या हमारा, आप वेब शोज से पता नहीं कितने वाकिफ हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वेब फिल्म में या वेब शो में ये नेसेसरी है कि आपको कुछ सेक्सुअल चीजें दिखानी है जी बिल्कुल, जिस तरह से हम नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पे चीजें देख रहे हैं। ये क्या हुआ है, क्या वो इधर अफेक्ट कर रहा है या यहाँ ऐसा कल्चर बन चुका है कि अब लोग ऐसा देखना पसंद कर रहे हैं जी? किसी हद तक दोनों ही सही है। वेस्ट में तो पोर्नोग्राफी जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, मैं बहुत ऐसे फेसबुक के जरिए कई यंगस्टर्स से बात करता हूँ और मेरे जरिए योग और उसकी बात हो जाती है जी। तो उनका एडिक्शन है पोर्नोग्राफी, तो आप अगर पोर्नोग्राफी में लिप्त हैं तो आपको ऐसा ही वेब शो या वेब फिल्म पसंद आएगा। बहुत जाहिर सी बात है, आपको ज्ञान देने वाली फिल्म से कोई मतलब नहीं जी, क्योंकि माइंड वैसा हो चुका है जी, तो माइंड वहाँ वैसा कराया जा चुका है जी, तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। तो चूंकि मीडिया की ताकत क्या है, वही ऑडियो और वीडियो जी, अगर हम वीडियो और ऑडियो से कोई बात कह रहे हैं और रोज कह रहे हैं तो वो आपके मन में बैठ जाएगा जी। जैसे इसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि हमारा कल्चर पहले जो धर्म के इर्द गिर्द चला है जी, उसमें भी ऑडियो वीडियो ने ही काम किया है जी, सारे फाइन आर्ट्स के जरिए ही धर्म का प्रचार हुआ है बिल्कुल। आपको वो पेंटिंग के जरिए ही हम ईश्वर की बात कह रहे हैं बिल्कुल, मूर्ति के जरिए ईश्वर की बात कह रहे हैं, फिर संगीत के जरिए ईश्वर की स्तुति हो बिल्कुल, फिर लिरिक्स के जरिए भजन बनाए जा रहे हैं, और संगीत भी ऐसा कि वो आपको भड़काए नहीं। संगीत में फर्क है बिल्कुल, संगीत असुरी भी हो सकता है और संगीत सुर वाला वो देवताओं को जगाने वाला भी होता है। इसका बहुत स्टडी है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का एक वाइब्रेशन है
और वो बास जो है ड्रम वाला इंस्ट्रूमेंट है उसका अलग वाइब्रेशन जी, ये स्पंदन को लेके बहुत पहले से रिसर्च हो चुका है जी। आज देखेंगे ये ड्रम वाला म्यूजिक ज्यादा है, ज्यादा तो ये आपकी लोअर वृत्तियों को भड़काता है, ये आपकी जो लोअर इम्पल्सिस है, हमारा जो एनिमल इंस्टिंक्ट है ये उसको जगाता है जी। और आप देखिए सरोद है, ये हमारा सितार है, वीणा है, ये आपके हृदय के इमोशंस को ज्यादा जगाता है, एक पीस का माहौल देते हैं आप, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। हमारा जो संतूर है कश्मीर का बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट, सुनिए उसको कितना फर्क पड़ता है। लेकिन ढटक 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 ये वाला जो म्यूजिक है ये आपके अंदर वो ढटक ढटक ही करवाता है जी। पर यंगस्टर्स काफी ज्यादा इसको पसंद करते हैं, तो आपको लगता है कि लोग इसको यूज भी करते हैं? ज्यादा है यंगस्टर्स में, एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा है, वायलेंस एंड सेक्स का एलिमेंट वहां ज्यादा है, उम्र के होते होते वो चीजें थोड़ी चैनलाइज होती है जी। आपको समझ में आता है कि क्या सही है या कितना इसकी मात्रा चाहिए जी, है ना, ये बाद में समझ में आता है। मार्केट वाले लोग जो है जो समाज को इस तरह से देख रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके जी, अभी का कल्चर वही है जिसको हम कंज्यूमर कल्चर कह रहे हैं जी। तो क्या इस यही रीजन है कि अभी काफी ऐसे टीवी शोज या मूवीज ऐसी आ रही हैं जो किसी ना किसी रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, जैसे हमने कलर्स पे भी देखे या कहीं ऐसे हम अगर नाम नहीं भी लें, कुछ ऐसे चैनल्स हैं नागिन जैसे शोज या कुछ ऐसे साईं भगवान से या राम लक्ष्मण या ऐसे शोज जो हैं, वो क्या कमर्शियली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? किया तो जा ही रहा है जी, क्योंकि वैसा एक ऑडियंस भी है जी, वो देखा से जो एकदम यूथ है वो उतना पसंद नहीं करता, बट जो एक मिडिल क्लास का एक वर्ग है वो पसंद करता है। 40 से 50 भारत में हाँ मान्यता है और भारत में श्रद्धा अभी भी है, क्योंकि अच्छाई की वैल्यू आज भी है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बुरा ही बुरा है जी। तो अच्छाई की भी वैल्यू है, तो कहीं से कुछ कुछ अच्छा, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, हम देखना चाहते हैं कुछ अच्छी चीजें जी। बिल्कुल। तो यहाँ हम थोड़ी ब्रेक लगाने से पहले एक सवाल और पूछ लेते हैं। हाल ही में आपकी एक मूवी आई थी हैदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही, ना सिर्फ कश्मीर के हालात बताने की वजह से पर आपके रोल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको सराहा भी गया। वो किस तरीके की मूवी आपको लगी एज अ एज अ एक्टर? क्या आपको उसकी स्क्रिप्ट पसंद आई या फिर आपको लगता है कि वो प्रेजेंटेशन उसकी ज़्यादा अच्छी थी कि मुझे वो करना पड़ा रोल, या मुझे वो ज्यादा भाई? डेफिनेटली स्क्रिप्ट, चूंकि वो हैमलेट पर बेस्ड है, वो शेक्सपियर का एक प्ले है, बिल्कुल हैमलेट एक चर्चित नाटक है और सबका पसंदीदा है, और मेरा जो रोल उसमें काफ़ी अच्छा वो प्ले में पोलोनियस नाम का है जी, और जिस तरह से उसको बनाया गया था फिल्म में कश्मीर के बैकड्रॉप पे जी, वो बहुत अच्छे तरीके से वीव किया था जी, और हमारा जो ये आतंकवाद का एक दौर से गुजर रहे हैं सभी, उसमें काफ़ी कुछ सच्चाइयों को दिखाया गया, दिखाने की कोशिश की गई, तो इसलिए पसंद भी आया और किया भी बिल्कुल। तो ललित जी आपको क्या लगता है कि अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल, बहुत सवाल हो गए अब भी थक चुके होंगे, कि जम्मू का जो युवा है उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आगे खुलने वाली हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो किस तरीके से मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ सकता है या अल्टरनेट के भी थ्रू अपनी जो टैलेंट है वो सामने रख सकता है? देखिए सबसे पहले तो थिएटर ही एक जरिया है जी, थिएटर के जरिए अपने आप को थोड़ा पॉलिश करें, थोड़ा बेटर बनाएं, अपने क्राफ्ट को थोड़ा सा स्किलफुल बनाएं जी, ताकि आप नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें जी। और प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहला यही अपना क्राफ्ट को मजबूत करें, दूसरा ये कि अपने आप को मार्केट करने के लिए मेहनत करें जी। जैसे मैं बार बार, चूँकि मैं बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट करता रहता हूँ जी और यंगस्टर्स से सामना होता रहता है, लोग जल्दी थक जाते हैं और रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं जी। आज का यूथ असल में, जैसे हमारे पास तो बहुत पेशेंस थी, हमने तो शिद्दत से 4-5 साल थिएटर किया और जी, चूंकि 18 साल की उम्र में किया तो 22-23 तक हमें सब कुछ समझ में आ गया जी। अगर कोई आदमी 25 साल में शुरू करेगा तो समझ आते आते उसको 30 हो जाएगा जी, और रिजल्ट चाहते हैं 3 महीने में 6 महीने में। बॉम्बे का तो यही कल्चर है, 3 महीने का कुछ एक्टिंग क्लास कर लिया और सीधे वो सोचते हैं कि बच्चन साहब की टक्कर में जुहू में बंगला ले, और जादू की उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं जी। ये जादू और ये मैजिक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा है कि वो तो जादू तो किसी के साथ भी हो सकता है जी, वो किसी भी बिजनेस में हो सकता है जी, लेकिन हर काम में जैसे एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, उसी को फॉलो करते हुए, सीखते हुए और स्टेप बाय स्टेप देना, मिलना जुलना, अपनी बात कहना,
कि मैं काम करना चाहता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप छोटा काम किया, उससे बेहतर किया, एपिसोडिक टीवी शो किया, सीधे आप 50 करोड़ सलमान खान की टक्कर में आने वाले जी, अगर हैं आपके मम्मी डैडी वैसे तो शायद आप भी सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का रोल भी आपको दिखता है यूट्यूब फेसबुक या जो छोटे छोटे वीडियोज भी आज लोग बना रहे हैं, बंदे कम से कम आपकी वो जो इच्छा है, वो जो खुराक है जी, वो तो पूरी हो रही है जी। लोग छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और अपने मोनोलॉग्स को ही डाल दे रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं, इट इज गुड। वो अंदर जो एक छटपटाहट है वो कहीं निकलती जी। है आजकल एवेन्यूज तो बहुत सारे हैं जी। तो धन्यवाद ललित जी हमसे पूरी बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए बातचीत जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुई होगी, और जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं काफ़ी कुछ सीखे भी होंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे और ललित जी जो हमारे साथ जुड़े थे, हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे यूं ही ऐसी शख्सियतों से, आपसे मिलाते रहेंगे और नई खबरें नए मुद्दे आपसे आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।